नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स द्वारा एक खबर प्रकाशित की जाती है कि भारत में जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके दूसरे डोज को अंतराल को लेकर जो है वो भारत के जो तकनीकी जो सहायता वाले जो ग्रुप हैं जो कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को राय देते हैं, बिना उसकी सहमति के ही ये फैसला लिया गया और 12 से 16 हफ्तों के लिए कर दिया गया जो सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन था। और इसके बाद राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने ट्वीट किया, देखिए आप ट्वीट में क्या लिखा हुआ है कि देश को तुरंत व पूर्ण टीकाकरण चाहिए। मोदी सरकार की निष्क्रियता से हुई वैक्सीन की कमी को छुपाने के लिए भाजपा के रोज के झूठ और खोखले नारे नहीं, पीएम की झूठी छवि बचाने के लिए केंद्र सरकार की लगातार कोशिशें वायरस को बढ़ावा दे रही है और जनता की जान ले रही हैं। और एक उन्होंने लिंक शेयर किया है जिसमें दिया है कि सरकार ने पैनल की सहमति के बिना बढ़ा दिए थे कोविशील्ड के दो डोज के बीच का गैप। मई में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे थे और कई वैक्सीन सेंटर में खुराक की किल्लत हो गई थी, तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 मई को कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच का गैप 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया। और इसमें जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ऐसी खबरों को गलत बताया गया, अफवाह बताया गया है। और इसमें साफ कहा गया है कि हमने सलाह लेने के बाद जो है ये जो वैक्सीन का गैप ड्यूरेशन जो है उसे बढ़ाने का फैसला लिया। आपको हम खबर बताते हैं कि खबरें की शुरुआत जिस खबर का जो है वो कब ये विवादों में बना। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन खबरों को खारिज किया है जिसमें दावा किया गया है कि कोविशील्ड की दो डोज के बीच अंतराल बढ़ाने को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों से असहमति थी। जिन 3 लोगों की असहमति की बात कही जा रही है उनमें से किसी ने भी समूह की बैठक में असहमति नहीं जताई थी। इनमें डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज, डॉक्टर MD गुप्ते और डॉक्टर JP मुलियल हैं। ये तीनों का कहना है कि जो हमसे बिना परामर्श किए हुए, बिना सलाह लिए हुए सरकार ने 12 से 16 हफ्तों का जो ड्यूरेशन है सेकेंड डोज के लिए वो बढ़ा दिया, जिसका खंडन जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है कि ये सभी उस बैठक में थे और इन्होंने उस समय कोई विरोध नहीं किया बल्कि इसमें सहमति दी इन लोगों ने। आपको बताएं कि इसको लेकर भारत सरकार ने फैसला लिया है कि कोविशील्ड डोज के अंतराल की होगी समीक्षा। आपको बताएं कि सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के कोरोना संबंधी कार्य समूह के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि भारत कोविशील्ड टीके की डोज के अंतराल की समीक्षा करेगा और सामने आ रहे नए आंकड़ों के आधार पर उचित कदम उठाएगा। कोरोना महामारी और टीकाकरण संबंधी स्थिति को बहुत परिवर्तनशील बताते हुए अरोड़ा ने कहा कि आंशिक टीकाकरण बनाम पूरा टीकाकरण के प्रभाव के बारे में सामने आ रही रिपोर्ट पर भी विचार किया जा रहा है। अरोड़ा ने कहा कि कोविशील्ड की दो डोज के बीच अंतराल 4 से 6 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने का फैसला वैज्ञानिक आधार पर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 और टीकाकरण बहुत परिवर्तनशील है। यदि कल टीका निर्माण तकनीक में कहा जाता है कि टीके की डोज के बीच का अंतराल कम करना लोगों के लिए फायदेमंद है, भले ही इससे महज 5 या 10% ही अधिक लाभ मिल रहा हो, तो समिति गुण दोष और समझ के आधार पर इस बारे में फैसला लेगी। वही दूसरी ओर यदि ऐसा पता चलता है कि वर्तमान फैसला सही है तो इसे हम जारी रखेंगे। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग की एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अप्रैल के अंतिम हफ्ते में आंकड़े जारी कर बताया था कि टीके की डोज के बीच 12 हफ्ते का अंतराल होने पर इसका प्रभाव 65 से 88% के बीच रहता है। अरोड़ा ने कहा कि इसी वजह से इंग्लैंड अल्फा स्वरूप के संक्रमण के प्रकोप से बाहर आ सका। वहाँ टीके की डोज के बीच 12 हफ्ते का अंतराल रखा गया है। हमें भी लगा कि यह एक अच्छा विचार है और इस बात के बुनियादी वैज्ञानिक कारण भी मौजूद हैं। अंतराल बढ़ाने पर एडेनोवेस्टर टीके एक बेहतर परिणाम दे रहे हैं, इसलिए टीके की डोज के बीच अंतराल बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने का 13 मई को फैसला किया गया। वही आपको बताएं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज भी कसा है। उन्होंने लिखा है कि कोविशील्ड की डोज के बीच अंतराल बढ़ाने का फैसला
पारदर्शी और वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित है, लेकिन अतुल्य प्रतिभा के धनी कांग्रेस युवराज राहुल गांधी के ज्ञान के सामने तो आर्यभट्ट और अरस्तु जैसे विद्वान भी नतमस्तक हो जाए। वैक्सीन पर भ्रम फैलाने का एजेंडा अब नहीं चलेगा। वही बता दें आपको, राहुल गांधी ने ट्वीट कर वैक्सीन को लेकर सरकार पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया था, और इसके बाद जो है ये मुद्दा बनने लगा कि क्या सरकार ने वैक्सीन की कमी के चलते इसके दो डोजों के बीच ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दिया था, या फिर इसके लिए सलाह लिया गया था, वैज्ञानिक कारण थे और आंकड़ों के आधार पर ऐसा लिया गया था। तो सरकार ने साफ कर दिया गया है कि इसके वैज्ञानिक कारण थे, और जो इंग्लैंड में जो इसके सकारात्मक जो परिणाम आए उसको ध्यान में रखते हुए ही जो दो डोज के बीच का समय है उसे बढ़ाया गया। आपको बता दें कि 16 जनवरी 2021 से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुरुआत भारत में हुआ, और कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो वैक्सीन से भारत में टीकाकरण कराया जा रहा है लोगों का। और इसमें बता दें आपको कि जहां कोवैक्सीन के लिए 28 दिनों बाद दूसरा डोज लगना चाहिए, तो वही कोविशील्ड के बाद पहले जो था वो 28 से 45 दिन, फिर 42 से 56 दिन किया गया, और फिर जो है 12 से 16 हफ्ता लास्ट 13 मई को कर दिया गया, ताकि जितना बीच का गैप रहेगा उतने ही अच्छे परिणाम, यानी कि इम्यूनिटी जो है कोरोना को लेकर वो लोगों में डेवलप कर रहा है। और यही कारण है कि सरकार ने दो डोजों के बीच के समय को बढ़ाया है, और इस पर कांग्रेस ने तंज कसा। रॉयटर विदेशी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है, इसने इस पर खबर पर प्रमुखता दी कि बिना किसी तकनीकी विशेषज्ञ के परामर्श के, सहमति के, सरकार ने ऐसा फैसला ले लिया जिसका खंडन भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।